भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ ससुराल पहुंच चुके हैं। यहां उनकी जमकर आवभगत की जा रही है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग यहां आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। यहां ठाकुर जी के दर्शन के बाद लोग इनसे मनोकामनाएं भी मांगते हैं। भगवान जगन्नाथ की यहां जमकर आवभगत गर्मी को देखते हुए पुजारी और यहां के जो सेवादारों द्वारा कूलर और हाथ से पंखी भी दी जाती है, जिससे भगवान को गर्मी ना लगे। इसके अलावा भगवान के लिए कई विशेष तरह के पकवान भी बनाए जा रहे हैं। यहां स्पेशल देसी तरीके से खिचड़ी बनाई जाती है, जो सिर्फ चूल्हे पे ही भगवान के ससुराल आने पर ही दी जाती है। यहां भगवान के तीन तरह के भोग लगाए जाते हैं, जिनमें राजभोग, शयन भोग और बाल भोग होता है। इनमें 56 तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। साथ ही यहां भक्तों को भी प्रसाद दिया जाता है। भगवान के बाल भोग और शयन भोग तथा आरती के समय भी यहां भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहां कूलर पंखों के माध्यम से भी तथा भगवान के लिए कई नई नई तरह की खास व्यवस्थाएं भी पुजारी व सेवादारों द्वारा की गई है। यहाँ खीर भी स्पेशल तरीके से दी जाती है। ससुराल में आने के बाद यहाँ 5:30 बजे उत्थापन आरती होती है। उसके बाद में रात भोग की बाल भोग, तीन तरह का भोग सवेरे लगता है। 11:30 बजे आरती, विशेष आरती और रात भोग है, जिसमें दाल चावल पापड़ वगैरह, आम फ्रूट, कई तरह के पकवान, मिश्री मेवा का भोग लगता है। फिर शाम को दूध का भोग है और बाल भोग, शयन आरती 9:30 बजे होती है। वैसे इनके खिचड़ी का भोग है जो बहुत ही उत्तम लगता है। वो यहाँ के जो सेवादार हैं वो अपने स्पेशल चूल्हे की लकड़ी से बनता है, उनका भोग लगता है। और खीर मेन विशेष यहाँ का जो रात को शहर में देते हैं। अच्छी तरह की व्यवस्था की गई, भगवान के कूलर पंखे लगाए गए हैं। विशेष तरह भक्त अपने हाथों से पंखे से भगवान की सेवा दे रहे हैं।